हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये तमाम क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बिहार बोर्ड के पिछले 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अंत अंत तक जुड़े रहें, लास्ट लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है। आप जब इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके पास 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर होगा और उसका कॉन्सेप्ट होगा जो पिछले 5 से 6 साल में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। यकीनन आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी काफी मदद करने वाला है। मैं एक भी क्वेश्चन में आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और चीजें रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फटाफट से शुरू करता हूँ, चलता हूँ पहले सवाल पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करेंट डेंसिटी की अगर बात करें, कोई हमारे पास इस तरीके से वायर है तो किसी भी कंडक्टर से या किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलरली प्रति मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास करता है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। मतलब करंट डेंसिटी जो जे होता है, जे से इसको डिनोट करते हैं, ये होता है आई अपॉन में ए। करंट वेक्टर नहीं है, बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए तो हम लोग लिखते ही हैं। साथ ही साथ अगर वैसे तो इस सवाल का आंसर आपको मिल गया है कि आपसे पूछा है कि कौन सा सही रिलेशन है करंट डेंसिटी के बारे में, बट अगर आपको और भी कई टर्म्स में, जैसे कई बार आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि करंट इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। मतलब अगर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, ई एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट कर रहा है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो और एन एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला होता है एनई एवी डी। क्लियर है? तो अगर उस फॉर्मूले का यूज करें तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनई एवी डी अपॉन में कितना ए, तो ए से ए कट जाएगा। तो करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी ध्यान पर रख लेना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक तो ये फॉर्मूला इसका मेन फॉर्मूला है ही। ठीक है, जब इसको लिखोगे तो तुम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो, जे के ऊपर में और हाँ वी डी होगा, सॉरी जे के ऊपर में और वी डी के ऊपर में एरो लगा करके लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट वीडियो को देखा होगा मेरे लेक्चर को, और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के एफआरसी फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के प्लेलिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो 75 डे चैलेंज से लाए गए टॉपिक्स हों, चाहे वो पिछले साल के लाइव क्लासेस के टॉपिक्स हों, कम टाइम में रिकॉर्डेड में अधिक से अधिक टॉपिक्स बताने का प्रयास किया गया है। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के प्लेलिस्ट को लगातार देखते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप ओम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई लिखते हैं, जहां पर जे क्या है करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको चमका कॉन्सेप्ट में ध्यान रख लेना, आप इसको पूरा एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना। फिलहाल के लिए समझ जाओ कि जे इज इक्वल टू होता है आई अपॉन में ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से, या चार्ज कैरियर कितना आसानी से किसी कंडक्टर में घूम सकता है, मूव कर सकता है, कितना फ्रीली मूव कर सकता है, और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, मोबिलिटी जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कई सारे फॉर्मूले याद हो, तो पहले तो ये चीज याद रख लेना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेफिनेशन ही है मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और इसके बेसिस पर इसका एसआई यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, इसको ध्यान पर रख लेना। अगर एसआई यूनिट निकालना हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम्ब, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो में कि मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। वैसे यहां पर तो आप ये समझ जाओ कि आपका जो आंसर है वो ये ए हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आपको रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी दे सकता है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E into E by M into tau। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अपने क्लास नोट्स को चेक करिएगा, डेरिवेशन करवाया हुआ है आपके पैचेस के अंदर में। ठीक है, क्लास नोट्स में चेक कर लेना या वन शॉट वीडियो में भी देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था। इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, तो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिलता है। सब लोग जरा गौर से देखना, ये फॉर्मूला मिलता है, सॉरी मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला मिलता है E into E by M into tau बट्टा कितना E, तो E से E कट जाएगा, तो mobility is equal to आएगा E by M into tau। E concept मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है, बट इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो अपन कैसे उसको समझेंगे। E
मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों ही कांस्टेंट है। तो मोबिलिटी जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कॉन्सेप्ट को चमका लो अपने दिमाग में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में चमका लो कि मोबिलिटी जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां पर तो खैर हम लोग सवाल सॉल्व कर चुके हैं, आगे चलते हैं, हर सवाल में कुछ चमकाने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हाट और व्हाट का रिलेशन पूछा है कि व्हाट किसका यूनिट है। यू ऑलरेडी नो कि व्हाट जो होता है ना, अगर हम लोग व्हाट की बात करें प्यारे बच्चे, तो व्हाट जो है ये यूनिट होता है, ये यूनिट होता है पार का, पार पार पावर। ठीक है, समझ में आया, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, अदरवाइज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या एनर्जी स्पेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एक वॉट की अगर बात करोगे तो ये एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी वन वॉट जो है मेरे प्यारे भाइयों, ये वन जूल पर सेकंड के बराबर है। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। चले आगे, अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, ये सब सवाल पूछा हुआ सवाल है 2016 में, 2022 में दो बार पूछा था। एम्पियर आर, तो एम्पियर आप जरा गौर करिएगा, एम्पियर आर है ना, तो एम्पियर मतलब क्या, करंट, आर मतलब क्या, टाइम, तो आई इंटू टी, ये तो चार्ज होता है। कैसे सर, आपने पढ़ा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर से प्रति सेकंड कितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I is equal to होता है Q upon T, charge flown upon time taken, तो Q is equal to I into T, और ये हमारा जो ampere R दिया हुआ है ये उसी के फॉर्म में दिया हुआ है, I into T के फॉर्म में। तो भाई साहब इसका जो यूनिट हो जाएगा ये किसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो जाएगा। अगले सवाल में चलें, अगला सवाल बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करेंट डेंसिटी। लो भैया अभी जस्ट बताया आपको कि करेंट डेंसिटी जो होता है J, ये होता है I upon में A। अब आप ऑप्शन खंगालो, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं दिया हुआ है चार्ज, कोई चार्ज Q के टर्म में दिया हुआ है। हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला लिखा था एन ई ए वी डी अपॉन ए, जिसमें A से A कट करके ये एन ई वी डी आया था, ये एक जनरल कंडक्टर की अगर बात करें, एक जनरल कंडक्टर में, जैसे अगर हम किसी कंडक्टर की बात कर लें, किसी कंडक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही करंट को कंस्टिट्यूट करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण बनता है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट बने, करंट किसी भी चार्ज कैरियर के फ्लो से बन सकता है। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स के नाम पर इलेक्ट्रॉन्स ना होकर के कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल्स क्यू हैं, तो इस केस में करंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एन क्यू ए वी डी हो जाएगा। करंट का फॉर्मूला जो एन ई ए वी डी था ये तब के लिए था जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, तो ये एन क्यू ए वी डी हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग करेंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया निकाले, ये हो जाएगा एन आई अपॉन ए होता है ना, ये आई अपॉन ए होता है ना, ये हो जाएगा एन क्यू ए वी डी अपॉन क्या, ए तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया एन क्यू वी डी। और अपने को मालूम कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां और यहां दोनों वेक्टर्स के ऊपर एरो लगा दो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सी हो जाएगा। चलें अगले सवाल पर, चमका कॉन्सेप्ट में इसको ध्यान रख लेना, इस पर क्वेश्चन अधिक से अधिक बनता है। अगले सवाल में आते हैं, बोला है किरचॉफ साहब का पहला नियम किस पर आधारित है। इसको मैं थोड़ा सा चमका कॉन्सेप्ट के लिए लिखवा देता हूं, अगर किरचॉफ चाचा के लॉ की बात करें, अगर किरचॉफ के नियमों की बात करें, इसके दो नियम हैं जिसको आप पहला और दूसरा नियम जो बोलते हो, तो आपका जो पहला रूल है वो है KCL किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा है वो KVL, क्या है KVL। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पर सारे करंट का सम सिग्मा आई जीरो होगा, और ये बोलता है सारे ईएमएफ प्लस वोल्टेज का सम, मतलब सारे ईएमएफ प्लस वोल्टेज का सम ये मिला करके जीरो होगा। आपको याद रखना है कि किरचॉफ साहब का जो करंट लॉ है केसीएल जिसको अपन बुलाते हैं, ये डिपेंड कर रहा है, ये आया है कहां से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ये डिराइव किया गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, आवेशों के संरक्षण से। और अगर केवीएल की बात करें तो केवीएल आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कहां से आया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखेंगे किरचॉफ का पहला मतलब पहला लॉ मतलब केसीएल, इसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ बोलते हैं, केवीएल। ठीक है, केसीएल का एक और नाम है, केवीएल का भी एक और नाम है। अगर आपने फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स में से
प्लेलिस्ट में से किर्चॉफ्स लॉ के वीडियो को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और किर्चॉफ्स लॉ को इन डिटेल पढ़ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है किर्चॉफ्स लॉ। मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स जो ये चल रहा है, इसके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी किर्चॉफ्स लॉ ऐड हो चुका है, आप चाहे तो वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब सीधा ओम्स लॉ आपसे पूछा है, आपको मालूम है ये 2022 में पूछा गया था। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई और V बराबर IR, फिजिकल कंडीशंस जब कांस्टेंट होते हैं तब। तो ओम्स लॉ जब स्केलर फॉर्मेट में लिखते हो तो V बराबर IR लिखते हो, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं, बोला है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, अभी जस्ट व्हाट वाला एक सवाल हम लोग कर रहे थे, तो 1 किलोवाट आर, रटना नहीं है, तोड़-तोड़ के समझो, 1 किलोवाट आर कितना होगा ये पूछा है तुमसे। अच्छा जूल के टर्म में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलोवाट, किलो मतलब कितने, 10 के पावर 3 ना, भगले 10, 1 × 10³ वॉट, या सीधे लिख दियो 10³ वॉट, कोनो दिक्कत नहीं छे। पर अखने अखन जस्ट पढ़े लो है कि वॉट के मतलब होई छे जूल प्रति सेकंड, वॉट मतलब भेलै पावर के यूनिट, नहीं तो एकर मतलब हो गेले 10³ जूल प्रति सेकंड, नहीं 10³ जूल प्रति सेकंड। ओकरा बाद छे 1 किलोवाट आर, आर मतलब घंटा, ओ वाला घंटा नहीं, टाइम वाला घंटा छे, घंटा आर, 1 आवर, ये क्या हो जाएगा 60 मिनट। लेकिन हमने, हमको तो जूल पर सेकंड वाला हिसाब किताब में लेकर के चलना है ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए और जूल में आंसर आ जाए। तो 60 × 60 करना पड़ेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 60 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 को 60 सेकंड करना करना पड़ेगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 × 60 ये हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकंड। अब 1 किलोवाट आवर है तो 1 किलोवाट और 1 आवर को मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो डी आना चाहिए। आप एक बार कंफर्म होकर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल में। अगला सवाल बोला है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर फॉर व्हाइट इज, अच्छा बहुत बेसिक सवाल है कलर कोडिंग का, लेकिन इस पर कई साल क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग आप मान के चलो ये VVI है। कलर कोडिंग को मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, VVI, इसको सब लोग याद करो, आपके क्लास नोट्स में देखना एक निमोनिक्स लिखवाया गया होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैव गुड वाइफ, या इसी को इस फॉर्म में भी लिखवाया जा सकता है, आपके क्लास नोट्स में लिखवाया गया होगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड लुकिंग वाइफ हु वांट्स गोल्ड सिल्वर एंड नथिंग। उसमें हम लोग टॉलरेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन टॉलरेंस वाला सवाल कम आता है। आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर में वापस से, कि जो कमर्शियल रेसिस्टर्स होते हैं ना, कमर्शियल कार्बन रेसिस्टर्स आते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं, उन पे 4 कलर का पट्टी लगा होता है, 1, 2, 3, 4, ABCD करके मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें जो पहला 2 कलर होता है ना, जिस रेसिस्टेंस अगर हम लोग को लिखना हो, इसमें जो पहला 2 कलर होता है ये बताता है डिजिट को, रेसिस्टेंस के डिजिट को। जो तीसरा कलर होता है ये बताता है टोलरेंस, सॉरी मल्टीप्लायर को, किसको, मल्टीप्लायर को। पहला 2 कलर बताया डिजिट को, तीसरा कलर बताया मल्टीप्लायर को, और जो अंतिम कलर होता है ये बताता है टॉलरेंस को, ठीक है। तो सारे कलर का अपना अपना मीनिंग है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स में कमर्शियल कार्बन रेसिस्टर्स के ऊपर 4 कलर के पैटर्न्स होते हैं। पहला 2 कलर डिजिट को बताएगा, तीसरा कलर मल्टीप्लायर को बताएगा, और अंतिम कलर टॉलरेंस को बताएगा। इसको याद रखने का तरीका है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड लुकिंग वाइफ हु वांट्स गोल्ड सिल्वर एंड नथिंग। यहाँ पर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, है ना, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, व्हाइट, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, नो कलर आता है। तो पूरा टेबल आपके क्लास नोट्स में लिखवाया गया है, वहां से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। याद रखना है कि हम लोग इसकी डिजिट कोडिंग जो स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, उसके बाद फिर ग्रीन 5, ब्लू 6, फिर ग्रे 7, ठीक है, और यहाँ कुछ छूट रहा है, हैव वेरी गुड होगा, वेरी गुड लुकिंग वाइफ, अभी वाइफ गुस्सा हो जाएंगी, क्यों गुस्सा हो जाएंगी, वेरी गुड वाइफ होना चाहिए था, हमने सिर्फ गुड लगाया, ठीक है, तो बीवी राय साहब की वाइफ गुस्सा हो जाएंगी कि वेरी को क्यों हटा दिया, वेरी गुड। वैसे मैं क्लास में जो लिखवाता हूँ तो गुड लुकिंग वाइफ वगैरह वो सब लिखवाता हूँ, अभी क्या उतना लिख करके टाइम बर्बाद करें, जल्दी जल्दी निकलना है। 6, 7 में आ जाएगा वायलेट, ठीक है, 8 में आ जाएगा ग्रे, और 9 में आ जाएगा व्हाइट,
ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ, है ना। तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रेड, ये क्लास नोट्स में लिखा हुआ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करवाओ, ऐसे जाओगे ना तो 9 नंबर पे आता है व्हाइट, व्हाइट कलर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कलर कोडिंग करने से व्हाइट इज 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला एक बार क्लास नोट से आप लोग याद कर लेना, ब्लैक ब्राउन रेड, एक टेबल बनवा रखा है क्लास नोट्स में उसको, या एनसी, अगर नहीं कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ा हुआ है इसको, एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जाना और वहां पर टेबल बना हुआ है, इस निमोनिक्स को उस टेबल से जोड़ करके याद करने का प्रयास करना, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन इस पर पक्का आता है इसलिए इसको जरूर कर लेना। आगे चले, आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लगता है कि ये कोई फोर्स होगा लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, प्रथम दृष्टया बच्चा इसमें न्यूटन टिक करता है जो कि गलत हो जाता है, याद रख लेना कि, याद रख लेना ये चीज कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने के लिए बस फोर्स है, इसका ईएमएफ मतलब होता है वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज, और ईएमएफ यानी वोल्टेज का जो यूनिट होता है ये किस में नापते हैं हम लोग, वोल्ट में नापते हैं, वैसे वोल्ट का यूनिट जूल प्रति सेकंड होता है या जूल सेकंड होता है, जूल के टर्म में क्या होता है ये तुम्हें कमेंट करके बताना है, कि वोल्ट को अगर जूल से रिलेट करके लिखेंगे तो क्या होगा ये तुमको कमेंट करके बताना है, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर वोल्ट में टिक कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ रिलैक्सेशन टाइम एच, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन है, तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप अगर वन शॉट सीरीज देखे होगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ, अगर किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस कंडक्टर के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन गया, तो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ, यहाँ पर वीडी के बारे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल ही दिया है और रिलैक्सेशन टाइम को ही हम लोग किसे दिखाते हैं, टॉ से दिखाते हैं, तो ई इंटू ई बाय एम इंटू टॉ, और अगर साइन का भी यूज किया है मतलब निगेटिव साइन, क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो साइन के साथ अगर लिखें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव लगा करके अगर वेक्टर के साथ लिखें तो माइनस ई इंटू ई बाय एम इंटू टॉ, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा ए नंबर आंसर। इसका डेरिवेशन भी क्लास नोट्स में करवाया हुआ है, जो लोग मैथ्स फिजिक्स स्टूडेंट रहे हुए हैं लोग क्लास नोट्स में देखिएगा, इसका डेरिवेशन भी करवा रखा है, वहां से आपको इसको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम कम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वैसे बच्चों का जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आर, ठीक है, किलो वाट आर अभी जैसे किस में आया, जस्ट अभी देखो मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया था ना, किलो वाट आर किस में आया था, ये आया था जूल में, जूल किसका यूनिट होता है, या तो वर्क डन का या तो एनर्जी का, है ना। तो किलो वाट आर की अगर बात करोगे, किलो वाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, किलो वाट आर, किलो वाट आवर जो है, किलो वाट आर जो है 1 किलो वाट आर, ये कितना आया था 3.6 × 10⁶ जूल आया था, किलो वाट आर इज इक्वलेंट टू जूल, और जूल का मतलब क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन, ठीक याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट सवाल में चलता हूँ, ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, W by Q होता है, मैंने कमेंट करने के लिए तुम्हें बताया था लेकिन मुझे आंसर बताना पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, V is equal to होता है W upon में Q, अच्छा work done का dimension क्या होता है ML2 T minus 2 और charge का AT, charge का AT, ध्यान रख लेना ML2 T minus 2 और charge का AT, लालू यादव की 6 बेटी, charge का dimension AT, clear, तो ML2 T minus 2 by AT, तो ML2 T minus 2 ये ऊपर जाएगा तो कितना, T minus 2 था, ये ऊपर जाएगा तो a का पावर माइनस वन और t का पावर माइनस वन, तो ML2 t माइनस थ्री a माइनस वन, ML2 t माइनस थ्री a माइनस वन, अच्छा ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। सर आप तो a लिए हैं और यहाँ पे तो i है, करंट को या तो a के कन्वेंशन से दिखाते हैं या तो i के कन्वेंशन से दिखाते हैं, याद रखना कि करंट का डायमेंशन अगर लिखना हो, करंट एक खुद फंडामेंटल करंट, या तो a से दिखा दो या तो आई से दिखा देते हैं, ओल्ड कन्वेंशन में आई चल रहा है, नए कन्वेंशन में ये चल रहा है, यहां पे आंसर आई के टर्म में दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है, यही तुम्हारे होमवर्क में था, जो तुमको कमेंट करके बताना था कि वोल्ट को जूल के टर्म में आपको कमेंट करके बताना है, तो मैंने ऑप्शन दिया था जूल पर सेकंड, जूल सेकंड ऐसे बोला था, और कुछ होगा तो और कमेंट करके बताना, आपको दिख रहा है कि जूल प्रति कूलम्ब होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बोला है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की अगर बात करोगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब हो गया रेसिस्टिविटी। क्या हो गया? रेसिस्टिविटी। या ऐसे समझ जाओ कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है ना। तो कोई भी वायर अगर 1 मीटर का है, कोई भी वायर अगर 1 मीटर का है, मतलब लेंथ इसका 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब इसका एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे वायर का अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा, रो इंटू 1/1, क्योंकि लेंथ भी 1 और एरिया भी 1, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या आ गया, रो। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बुलाते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि रेसिस्टिविटी है। क्या है? रेसिस्टिविटी है। ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी की बात करोगे तो बोला है कंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ से तो कोई फर्क पड़ता नहीं करेगा इसको, कि उसका वैल्यू फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो बस बात रहा टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर वाला ही बस ऑप्शन हो जाएगा। वैसे इसका लॉजिक समझो, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, उसका ये फॉर्मूला है। तो मेटल में और सेमीकंडक्टर में ये जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स या कंडक्टर्स की, के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा। जब अल्फा पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम लोग अल्फा निगेटिव की बात करें, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में होता है, तो वहां पर अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना अपने दिमाग में कि मेटल्स और कंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ता है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लेना। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। बाबू मेरे याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, तुम कमेंट करके बताना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, और ये भी कमेंट करके बताना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना अर्थ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का। यहां तक में कोई डाउट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बोला है द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटर इज, क्लास 10 का सवाल है लेकिन बिहार बोर्ड में 2017 में पूछा था। नाइक्रोम का यूज करते हैं क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल हीटर में या फिलामेंट वगैरह में, जो पहले बल्ब के जमाने में बल्ब होता था उसमें हम लोग टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते थे जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, और यहाँ पे हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर में, लेकिन सवाल पूछा हुआ है तो ध्यान पर रख लेना। आगे बोला है पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। ठीक है, और इस फॉर्मूले को तुम तोड़ तोड़ के अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर तुम आई को वी और आर के टर्म में लिख दो तो वी बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, आई आर। तो आई बराबर वी बाय आर लिखोगे तो वी इंटू वी बाय आर, यानी पावर का एक फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यही शायद तुम्हारे ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर। और एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, एक नंबर फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा नंबर फॉर्मूला ये हो गया। और अगर तुम वी को, मतलब पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना, इसको आई आर इंटू आई लिख दो तो पावर का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीन फॉर्मूला होता है पावर का जिसको तुमको याद रखना है। पहला फॉर्मूला वी इंटू आई, दूसरा वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। यहाँ पर तुम्हारा आंसर सी निकल चुका है। अगले सवाल में चलते हैं, ये सारे बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2 इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 एंड आर2 कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अगर दो सेल है हमारे पास इस तरीके से, एक सेल है ई1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर1, और एक सेल है ई2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, आर2। इस केस में इसके ई नेट का, ये सीधा फॉर्मूला ही होता है याद रख लेना, ई नेट का फॉर्मूला होता है ये वाला जो सेकंड नंबर है तुम्हारा, ई1 आर1 प्लस, इस तरीके से आप फॉर्मूला इसका याद रख लेना। एक मिनट, यहाँ पे ई नेट का आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लेना। आप क्लास नोट्स में जाके चेक करना, क्लास नोट्स में आप करवा रखा है कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा रखा है, तो वहां पर ये फॉर्मूला सीधे बन जाएगा ई1 आर2 प्लस ई2 आर1 बाय आर1 प्लस आर2। और यहाँ पे अगर आर नेट निकालोगे ना, आर नेट, ठीक है, तो पैरेलल में है तो इस तरीके से निकलेगा 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय आर1 प्लस 1 बाय आर2।
आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बताओगे, अगर एन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका नेट ईएमएफ कितना निकलेगा, और अगर एन आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका नेट ईएमएफ कितना निकलेगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ कि सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके बैटरी क्यों बनाते हैं और कभी कभी पैरेलल में कनेक्ट करके क्यों बैटरी बनाते हैं। किसी भी बहुत मतलब बहुत सारे सेल्स अगर हमारे पास हों तो उनको सीरीज में कनेक्ट करने का पर्पस क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने का पर्पस क्या होता है। अगर आप मैथ्स फिजिक्स के क्लासरूम स्टूडेंट हो तो आपके क्लास नोट्स को पढ़ाते वक्त ये चीज बताया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो भाई साहब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, रो एल बाई ए, अभी रो पूछा है तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब कुछ को उधर भेज दो, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी कहता है रुको मत जाओ, रेसिस्टिविटी करंट का विरोध करता है और कंडक्टिविटी उसको सपोर्ट करता है, इस बात को ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया सिल्वर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर सर घर में इसकी वायरिंग क्यों करते हैं, बिक जाएंगे इसीलिए। ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग घर में कॉपर वायर से कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। ठीक है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है हीट का, एच इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। किसी भी कोई भी अगर हमारे पास वायर है, कंडक्टर है, उससे फ्लो करने वाला हीट प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, रेसिस्टेंस के, और कितना अधिक समय तक करंट फ्लो किया है उसके, इन चीजों को कंबाइन करके लिखते हैं तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आता है। आई स्क्वायर आर टी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले सवाल में चलते हैं, वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेसिस्टर इज, ग्रीन कलर कोड का कार्बन रेसिस्टर में क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ देखो, हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला, 6 आना चाहिए आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, 5 या 6 कुछ होगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जी फॉर ग्रीन होता है, 5 नंबर पे आ रहा है ना, 5 नंबर पे आ रहा है तो 5 हो जाएगा, ग्रीन तो ग्रीन का 5, 2 का 6 कहाँ गया भैया, हाँ देखो ग्रीन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस निमोनिक्स को याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बहुत सारे को, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का वैसे थ्योरी मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर आप बहुत सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसमें करंट बट जाता है, जैसे करंट आई आया था तो ऊपर जाएगा I1, नीचे जाएगा I2, लेकिन वोल्टेज V1 और V2 सेम होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, V1 बराबर क्या होगा V2, अगर आप इसको बैटरी से जोड़ दोगे ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज नहीं बढ़ता, करंट बट जाता है, वोल्टेज मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या नहीं क्या सेम रहेगा सब में, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा, जरूरत पड़ने पर करंट भी सेम रह सकता है, लेकिन ऑलवेज की अगर बात करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो दोनों रेसिस्टर सेम रेसिस्टेंस का है तो करंट भी सेम बट सेम जाएगा दोनों में, तो जरूरत पड़ने पर आंसर बी भी हो सकता है, सॉरी सी भी हो सकता है, लेकिन ये दिया रहेगा ऑलवेज हमेशा कौन सा सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब रेसिस्टर सेम रहेगा तो करंट भी पैरेलल में सेम हो जाएगा, तभी मेरी बात इसी को समझिएगा, क्लास नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, बस 2 सवाल और है, द वैल्यू ऑफ येल्लो कलर इन बीबी रॉय, BBROY, तो मुझे लगता है 4 नंबर पे आता है येल्लो कलर, आप एक बार उस निमोनिक से मैच कर लीजिए, निमोनिक से मैच कर लीजिए, निमोनिक से मैच कर लीजिए, बीबी रॉय है ना, बीबी रॉय, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो 4 नंबर पे आता है ना, 4 नंबर पे आता है भैया जी, 4 नंबर पे आते हैं हमारे। ठीक है, चलो 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 चलो, कहाँ गया, कहाँ चला गया, हाँ येल्लो कलर। ठीक है भाई साहब, येल्लो कलर कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, 2021 में पूछा गया था, आप देख रहे हो ना कलर कोडिंग पर कितने क्वेश्चन आ रहे, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स रेसिस्टेंस को कंपेयर करता है, करंट को कंपेयर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को करता है, तो अगर देखो एक तरीके से तो सब कुछ को कंपेयर कर सकता है ये, अगर देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कंपेयर करता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को कंपेयर, वैसे ये रेसिस्टेंस के आधार पे कंपेयर करता है, R1 अपॉन R2 अगर R3 अपॉन R4 के बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से या बीच वाले ब्रांच से इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक रेसिस्टर होता है R1, ये हमारे पास होता है एक रेसिस्टर R2 है ना, ये होता है हमारे पास R3, ये होता है हमारे पास R4,
R1 बट्टा R2 अगर R3 बट्टा R4 के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है FRC बैच में, आप देखेंगे, मतलब उसमें प्लेलिस्ट में एडेड है। तो बीच में अगर कोई गैल्वेनोमीटर लगा दो या कुछ लगा दो तो बीच से करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर 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 ये बैलेंस कंडीशन में है तो। अगर रेसिस्टेंस को कंपेयर कर लोगे ना तो उससे वोल्टेज भी कंपेयर हो जाएगा और करंट भी कंपेयर हो जाएगा। बहुत सारे किताबों में इसका आंसर दिया रहता है रेसिस्टेंस, लेकिन मेरे समझ से अगर आप रेसिस्टेंस को कंपेयर कर लिए तो भी मतलब आर को वी और आई के टर्म में लेकर के आप वोल्टेज और करंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं इसका आंसर लिखवाऊंगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है। ये 25 ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड के PYQs के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। आप कमेंट करके बताओ कि आगे आपको कौन से चैप्टर पर और भी PYQ के ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, मैं उनको करवा दूंगा। जो बच्चे गेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके अलग अलग रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में गेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि गेस कब आ रहा है। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे। आप बस विश्वास के साथ पढ़ते रहो। बहुत लंबी लंबी क्लासेज या बहुत लंबी लंबी लाइव क्लासेज हम लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, बिकॉज यू ऑल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट। लेकिन जैसे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का छोटा सा छोटा पार्ट में वीडियो, मतलब बायोट सावर्ट लॉ का बहुत छोटे से छोटे टाइम में वीडियो, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उनका वीडियो मैं जरूर ला दूंगा। और ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही चलते रहेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत मोहब्बत अंत अंत तक इस सेशन में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।